हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। संजय, क्या अपडेट? 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है रिया चक्रवर्ती को। जाहिर सी बात है, 14 दिनों की न्यायिक हिरासत मांगी गई थी एनसीबी की तरफ से। मृत्युंजय हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है रिया चक्रवर्ती की। एनसीबी ने कोई रिमांड नहीं मांगी थी, पहले से ही जुडिशियल कस्टडी की मांग की थी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई उस सुनवाई में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत जुडिशियल कस्टडी में रिया चक्रवर्ती को भेज दिया गया है। अब जो अगला प्रोसेस है कि उनके वकील जो है वो बेल एप्लीकेशन का आवेदन कर रहे हैं और उस पर क्या कुछ होता है उस पर हम नजर बनाए हुए हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर है कि 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में रिया चक्रवर्ती को भेज दिया गया है। जी अखिलेश, या इस वक्त ये कहा जा सकता है कि रिया चक्रवर्ती को जेल, लेकिन वो जेल जाएंगी या नहीं जाएंगी इसमें अभी वक्त है, क्योंकि मृत्युंजय साफ तौर पर बता रहे हैं कि अब अगली प्रक्रिया ये है कि रिया चक्रवर्ती के वकीलों की तरफ से जमानत की अर्जी लगाई जाएगी और अगर उन्हें जमानत उनकी स्वीकार कर ली जाती है तो फिर वो जेल जाने से बच जाएंगी। 14 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग एनसीबी ने की थी और 14 दिन की न्यायिक हिरासत उन्हें दी गई है। मृत्युंजय, क्या वकीलों, रिया के वकीलों की तरफ से क्या कहा गया? जी अनुराग, रिया के वकीलों ने, देखिए एनसीबी ने अपनी तरफ से सबसे पहले बातें रखी कि हमने जो पिछले दिनों गिरफ्तारियां की थी उसके पूछताछ में रिया चक्रवर्ती का नाम सामने आया था। उनके खुद के भाई शोएब चक्रवर्ती की जो बयान है उसमें रिया चक्रवर्ती, इस पूरे जो गिरफ्तारियां हुई है उसमें उनका नाम आ रहा है। लेकिन जो हमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस गैदर करने थे, हमें पूछताछ करनी थी, हम वो पूछताछ कर चुके हैं। भविष्य में जो हमें पूछताछ की जरूरत होगी इसके लिए हमें सहयोग करने के लिए रिया चक्रवर्ती ने कहा है कि वो हमेशा से उपलब्ध रहेंगी। ये आधार बनाते हुए एनसीबी ने कोई रिमांड नहीं मांगी, कहा कि हमें न्यायिक हिरासत की मांग करते हैं लेकिन हम बेल का अपोज करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि बेल पर अभी सुनवाई की प्रक्रिया चल रही है, पहले से ही सतीश माने शिंदे ने तैयारी कर ली थी और उन्होंने तुरंत बेल का आवेदन किया हुआ है। जुडिशियल कस्टडी मिलने के बाद बेल का आवेदन सतीश माने शिंदे ने कर दिया है, जिस पर अभी जिरह हो रही है और कुछ देर में शायद संभवतः उस पर भी फैसला आ जाएगा। और जो ग्राउंड एनसीबी ने रखा था कि देखिए बेल रिजेक्ट होना चाहिए क्योंकि ये सबूतों को टैंपर हो सकती है, क्योंकि उनके भाई अभी भी हमारी हिरासत में है और कल तक की उनकी कस्टडी है, ये आधार दिया था। पर अब ये देखना होगा कि सतीश माने शिंदे क्या दलील देते हैं और किस आधार पर वो बेल के लिए अप्लाई कर चुके हैं तो उस पर अपने क्या जिरह करते हुए मांग करते हैं। जी चलिए, मृत्युंजय आपके पास लौटूंगा। जितेंद्र दीक्षित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रिया को भेजा गया है और बेल की अर्जी पर सुनवाई चल रही है। देखिए 21 सितंबर तक की न्यायिक हिरासत की मांग की गई थी और 21 सितंबर तक की न्यायिक हिरासत दे दी गई है, यानी कि अब रिया को जेल भेजा जाना है। लेकिन उसके पहले रिया के वकील ने, सतीश माने शिंदे की टीम ने जमानत के लिए अर्जी दे दी है और अगर उन्हें जमानत मिल जाती है तो आज रिया वापस अपने घर चली जाएंगी और अगर नहीं होती है तो कल सुबह उन्हें मुंबई के भाईकला जेल में भेज दिया जाएगा। भाईकला महिलाओं का जेल है और वहां पर रिया को भेजा जाएगा जब तक कि उन्हें जमानत नहीं मिलती है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ मिनटों में ही जमानत अर्जी पर भी फैसला हो जाएगा और ये साफ हो जाएगा कि रिया जेल जाएंगी या फिर वापस अपने घर पर जाएंगी। फिलहाल की स्थिति यह है कि जुडिशियल कस्टडी में रिया को भेज दिया गया है 21 सितंबर तक के लिए। अनुराग, 21 सितंबर तक के लिए 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है जितेंद्र। ऐसे में जो पॉइंट्स रखे गए हैं जमानत को लेकर के कि वो बहुत सहयोगात्मक रवैया उनका रहा है, वो जब चाहे वो हाजिर हो जाएंगी, जब एनसीबी उन्हें पूछताछ के लिए बुलाएगा वो आ जाएंगी, जिस तरीके के भी सबूत उनसे मांगे जाएंगे वो देने को तैयार हैं और साफ तौर पर यह कहा गया है बेल एप्लीकेशन में कि वो किसी भी तरीके से कोई सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगी, इस आधार पर क्या उम्मीद की जा सकती है? देखिए उनका डिफेंस क्या होगा जमानत अर्जी के दौरान, इसका कुछ आइडिया जो है हमें वकीलों की बातचीत से आ गया था और उसमें ये दलील रखी जाएगी कि रिया चक्रवर्ती हमेशा से जांच एजेंसियों से सहयोग करते आई हैं, जब जब जांच एजेंसियों ने उन्हें बुलाया है
तब तक वो उनके सामने पेश हुई हैं। अभी तीन दिनों से वो एनसीबी के सामने पेश हो रही थी, इसके पहले वो सीबीआई के सामने पेश हुई, उससे पहले वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पेश हुई, उससे पहले वो मुंबई पुलिस के सामने पेश हुई और घंटों तक उनका ही साथ पूछताछ की गई और उनके बयान दर्ज किए गए। फिर ये भी कहा गया है चूंकि कानून के साथ में कॉपरेशन कर रही हैं रिया चक्रवर्ती और ऐसे में ये मुमकिन नहीं है कि रिया चक्रवर्ती सबूतों के साथ या गवाहों के साथ किसी तरह का छेड़छाड़ करेंगी और जब भी फिर से एनसीबी अगर उन्हें बुलाती है पूछताछ के लिए तो रिया चक्रवर्ती पहले की तरह हाजिर हो जाएंगी। तो ये एक बेहद अहम ग्राउंड होगा रिया चक्रवर्ती की जमानत अर्जी में और इसी आधार पर रिया की जमानत मांगी जाएगी। इसी आधार पर रिया की जमानत मांगी भी जा रही है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उन्हें भेजा गया है। एनसीबी ने 14 दिन की ही न्यायिक हिरासत मांगी थी और साफ तौर पर जमानत का विरोध किया था। उन्होंने कहा हमें अपनी कस्टडी नहीं चाहिए लेकिन हम जमानत का विरोध करते हैं। तो अगर जमानत नहीं मिलती है तो जितेंद्र बता रहे हैं कि भाईखला जेल जाना होगा रिया को, और अगर जमानत मिल जाती है तो रिया अपने घर जाएंगी। अंकित गुप्ता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अंकित, साफ तौर पर जो रिमांड की कॉपी सबसे पहले आपने दिखाई थी उसमें जो रिया पर गंभीर इल्जाम जो उन्होंने स्वीकार किए हैं, बाकायदा एक एक्टिव मेंबर के तौर पर उन्होंने अपनी भूमिका को जस्टिफाई सर्टिफाई किया है कि वो एक ड्रग सिंडिकेट की एक एक्टिव मेंबर रही हैं, तो क्या ये एक आधार, बहुत बड़ा आधार नहीं है उनकी जमानत का विरोध करने का, या फिर उम्मीद की जा रही है कि जिस तरीके से सहयोगात्मक रवैये का हवाला देते हुए उनकी जमानत मांगी गई है उन्हें जमानत मिल जाएगी? अनुराग, अगर सबसे बड़ी कोई बाधा आएगी उनकी जमानत में तो वो वही शब्द आएगा, एक्टिव मेंबर ऑफ ड्रग सिंडिकेट। अगर उस शब्द को अगर हम देखा जाए कि इस शब्द के मायने क्या है, इसका मतलब यह है कि एक बड़ा ड्रग रैकेट है उसकी वो एक्टिव सदस्य है और इस आधार पर उनको जमानत नहीं दी जानी चाहिए, तय करना है अदालत को। लेकिन इससे पहले अगर हम देखें, इससे पहले इस मामले में दो जो आरोपी थे जिनको गिरफ्तार किया गया था उनको अदालत ने जमानत भी दी है, यानी कि रिया का कोई पहला मामला नहीं है जहां पर जमानत दी जाएगी। इससे पहले भी, रिया से पहले जो दो लोग गिरफ्तार किए गए थे उनको जमानत मिल चुकी है। लिहाजा उस आधार पर यही जो उम्मीद जता रहे हैं रिया के वकील कि उनको भी, रिया चक्रवर्ती को भी जमानत मिल जाएगी। लेकिन एनसीबी ने जब उन दोनों की जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही थी इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया था। तो कुल मिलाकर के अगर रिया की जमानत याचिका खारिज होती है तो ये वो शब्द है जिसका सबसे बड़ा रोल होगा, एक्टिव मेंबर ऑफ ड्रग सिंडिकेट। हालांकि जमानत याचिका खारिज होने की जो संभावना है वो काफी कम ही लग रही है, यानी कि उम्मीद यही कर रहे हैं रिया, खुद रिया भी और उनके वकील भी, कि आज की रात भी रिया अपने घर में ही गुजारेंगी। जमानत मिल सकती है, ऐसी बात सामने आ रही है जितेंद्र, लेकिन जिस लाइन का जिक्र अंकित ने किया, मैंने किया, एक्टिव मेंबर ऑफ ड्रग सिंडिकेट, क्योंकि उस सिंडिकेट के सभी लोग गिरफ्त में नहीं है, सभी लोग रडार पे नहीं है, अभी सिर्फ नामों का खुलासा हुआ है। तो क्या यह मुमकिन नहीं है कि एनसीबी की तरफ से यह पक्ष रखा गया हो कि अगर रिया बाहर जाती हैं तो वो प्रभावित कर सकती हैं जांच को, सबूतों को, तो इस आधार पर उनको जमानत न दी जाए? देखिए, आमतौर पर कोई भी जांच एजेंसी, चाहे वो एनसीबी हो, मुंबई पुलिस हो या फिर दूसरी एजेंसियां हो, अगर वो किसी की जमानत, किसी की कस्टडी नहीं मांगती हैं और उन्हें जुडिशियल कस्टडी यानी जेल भेजे जाने की मांग करती हैं, तो ऐसी स्थिति में उनकी दलील ज्यादातर यही होती है कि इस शख्स को सलाखों के पीछे रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर ये शख्स बाहर रहेगा तो गवाहों को बरगला सकता है, गवाहों को प्रभावित कर सकता है, सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है और जिससे मामले की जांच में असर पड़ेगा, और इसलिए इस शख्स को जुडिशियल कस्टडी में यानी कि जेल भेज दिया जाए। तो आमतौर पर यही दलील होती है और मेरा मानना है कि एनसीबी ने भी क्योंकि जुडिशियल कस्टडी की मांग की है, एनसीबी कस्टडी की मांग नहीं की है, तो ऐसे में उसकी भी यही दलील हो सकती है कि रिया को सलाखों के पीछे रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि बाहर रहने पर रिया जो है गवाहों को और सबूतों को प्रभावित कर सकती हैं। और ऐसे में तो और ज्यादा प्रभावित कर सकती हैं जबकि उन्होंने स्वीकार कर लिया हो कि वो ड्रग सिंडिकेट की एक्टिव मेंबर है। जितेंद्र,
जी हाँ बिल्कुल स्वीकार कर लिया है, ऐसा एनसीबी का कहना है। लेकिन अगर उनके डिफेंस लॉयर्स की बात करें तो वो तो शुरुआत से ही इंकार करते आए हैं कि ड्रग्स के कारोबार से, खरीद फरोख्त से उनका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये जो भी बात हो रही है ये एनसीबी का पक्ष है। एनसीबी की दलील है कि हमसे पूछताछ में रिया ने ऐसी ऐसी बातें कही हैं, और एनसीबी के कहने के पीछे का आधार है उनके व्हाट्सएप चैट्स, और साथ में जो रिया के भाई शौविक और जो बाकी के शख्स हैं उनके साथ में जो इंट्रोगेशन किया गया उनसे जो जानकारी निकल कर आई उसके आधार पर एनसीबी ये बात कह रही है। लेकिन डिफेंस का कहना है कि ये सारे आरोप जो है गलत हैं और रिया को एक तरह से फंसाया गया है। रिया को एक तरीके से फंसाया गया। अब उनकी जमानत पर सुनवाई इस वक्त चल रही है, अदालत की तरफ से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उन्हें भेजा गया है। अब इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर उनकी जमानत स्वीकार हो जाती है अर्जी, तो फिर वह आज अपने घर जाएंगी, और अगर नहीं स्वीकार होती है तो वह भायखला जेल जाएंगी। महिलाओं के लिए विशेष जेल है वो, और भायखला जेल में फिर आज की रात गुजारनी होगी। तब तक गुजारना होगा वक्त जब तक कि उनकी जमानत स्वीकार नहीं हो जाती, उन्हें जमानत कोर्ट से मिल नहीं जाती। अंकित गुप्ता, यहां एक बहुत अहम बात यह है कि जिस तरीके से एनसीबी ने अपनी रिमांड में शौविक और रिया की भूमिका बताई है, एक ड्रग सिंडिकेट का बाकायदा उन्हें ऑपरेटर बताया है, ये बताया है कि रिया तो बाकायदा ड्रग्स का चुनाव करती थी, उसकी क्वांटिटी तय करती थी और सुशांत के खाते से उसका भुगतान भी करती थी, ये उसकी तरफ से कहा जाने वाला वो वाक्य है इस रिमांड की कॉपी में जो खुद रिया ने एनसीबी के सामने कबूल किया है। यानी कि रिया ने ये कबूल किया है कि वो ड्रग्स देती ही नहीं थी सुशांत को, बल्कि मंगाती भी थी उनके लिए। अनुराग, रिया के पास उस समय ज्यादा कोई विकल्प भी नहीं होगा। आप खुद समझिए, वो रिया के बारे में जो वो बात कही अगर किसी और ने कही होती तो शायद रिया नकार भी देती। खुद रिया के भाई शौविक ने बात कही है, शौविक ने कहा है कि रिया जो है ड्रग मंगवाती भी थी, कौन सा मंगवाना था ये भी बताती थी, पैसा भी देती थी, लेकिन वो सुशांत के लिए करती थी, ये बात शौविक ने कही है। अब जब शौविक ये बात कर रहा है, अगर ये कहती है रिया ये कहती कि शौविक झूठ बोल रहा है, शौविक की मुश्किलें बढ़ती या शौविक को कटघरे में खड़ा करती, तो ऐसे में रिया ने भी संभवतः जो अभी जो जांच एजेंसी ने जितनी जानकारी दी है रिमांड पेपर में वो तो है ही, लेकिन मैं अगर उसके आगे की बात करूं तो संभवतः यही सोचते हुए कि शौविक ने जो बात कही है उसी को आगे बढ़ाते हुए कि हाँ मैं ये सब करती थी, लेकिन सुशांत के कहने पर उन्होंने वो बात जरूर जोड़ी होगी। और इसी वजह से जो रिया का स्टेटमेंट है उसका भी जिक्र किया गया है कि रिया ने क्या क्या कहा, शौविक ने क्या क्या कहा, क्योंकि रिया आज की तारीख में जिस जो है जहां पर फंसी हुई है उसकी एक बड़ी वजह शौविक का वो बयान भी है जो उन्होंने एनसीबी के सामने दिया था, और उसी बयान के आधार पर रिया को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। और जब रिया से पूछताछ हुई तो रिया ने भी काफी सारी बातों को कबूल किया है, ये कहना है एनसीबी का, और इसी वजह से एक्टिव मेंबर ऑफ ड्रग्स सिंडिकेट जैसे शब्द का इस्तेमाल किया है एनसीबी ने अपनी इस रिमांड एप्लीकेशन में। बिल्कुल, और कितना वक्त, क्योंकि देखिए न्यायिक हिरासत में भेजे हुए, अदालत को यह फैसला सुनाए हुए वक्त हो गया, अब उसके ठीक उस फैसले के बाद जमानत की अर्जी फॉरवर्ड की गई, कितनी देर इस प्रक्रिया में लगेगी, सुनवाई में लगेगी जब अदालत जमानत पर अपना फैसला सुनाएगी? अनुराग, मेरे हिसाब से ज्यादा वक्त तो नहीं लगता है, लेकिन हमको यहाँ ये समझना होगा कि मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो रही है। 8 बजे मामले की सुनवाई शुरू हो रही थी, लेकिन कुछ तकनीकी दिक्कतें जब आती हैं तो जब तक जो सभी लोग प्रॉपर्ली कनेक्ट नहीं हो जाते हैं तब तक सुनवाई शुरू नहीं होती है। लिहाजा पहले ये इंश्योर किया गया कि सभी लोग एक दूसरे को सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो। जब वो हुआ उसके बाद में एनसीबी के जो वकील ने कहा, जो रिमांड जो एप्लीकेशन जो हमने अपने दर्शकों को भी बताई कि उसमें क्या क्या बातें कही हैं, उसको एज इट इज एक एक लाइन पढ़ करके बताया कि किसका क्या रोल था और रिया को लेकर के अब उनका क्या कहना है। लास्ट में ये कहा गया कि इनको न्यायिक हिरासत में भेजा जाए। जैसे ही एनसीबी ने अपनी वो बात, एनसीबी के वकील ने अपनी बात पूरी की, अदालत ने कहा कि ठीक है, मतलब आपको इनकी कस्टडी नहीं चाहिए, उन्होंने कहा नहीं चाहिए, तो अब इनको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। और न्यायिक हिरासत के लिए अब मैं ये भी साफ कर देना चाहता हूं कि अमूमन अधिकतर मामलों में अगर मैं कहूं कि न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए ही होती है, अनलेस एंड अंटिल कोई स्पेशल केस ना हो, तो 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत की बात कही गई थी, भेज दिया गया। अब उसके बाद बारी आती है जमानत याचिका की। जमानत याचिका जैसे ही न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है, जमानत याचिका प्रेस की जाती है, या आसान शब्दों में कहा जाता है वकील की तरफ से कि अब इनको अगर कस्टडी नहीं चाहिए, जेल में भेजने से अच्छा है इनको जमानत दे दीजिए, ये जांच में सहयोग करेंगे, जो अभी आप और जितेंद्र चर्चा कर रहे थे। उसके बाद में अदालत
फिर एक बार एनसीबी के वकील से पूछेगी कि अब ये बताइए इन्होंने ये कहा है, आपको कोई आपत्ति है? अगर उनको कोई आपत्ति होगी तो फिर रिया के वकील से सवाल पूछा जाएगा। तो ये प्रक्रिया होती है, लेकिन इसमें अब बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। फिलहाल मेरे को ऐसा नहीं लगता, लेकिन फिर दोहराना चाहूंगा, मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो रही है और इस वजह से। अंकित, मैं लौटूंगा आपके पास।